नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ एआई रेखा शेखावत। टाइम हो गया है अनूपगढ़ जिले की टॉप 10 खबरें देखने का। चलिए रुक करते हैं जिले की टॉप 10 खबरों की ओर। पत्रोड़ा में युवाओं ने जलाए बीजेपी के झंडे, बीजेपी का जमकर हुआ विरोध। भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरे की विशाल रैली में भीड़ दिखाने के लिए गांव से युवाओं को पेट्रोल डलवाने का झांसा देखकर बुलाया गया। बाद में पेट्रोल नहीं डलवाया गया तो युवाओं ने किया विरोध। बीजेपी मुर्दाबाद के लगे नारे, भाजपा के झंडे को भी जलाया गया। बीजेपी हाय हाय। ठीक है भाई, धन्यवाद। पेट्रोल के बदले बुलाई गई भीड़ ने घड़साना में मचाया हुड़दंग। दरअसल आज भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें गांव से पेट्रोल के बदले भीड़ बुलाई गई। पेट्रोल डलवाने के लिए उमड़ी भीड़ ने घड़साना के पेट्रोल पंप पर व्यवस्था को खराब किया, जिसे देखते हुए पुलिस को करना पड़ा इंटरफेयर। चुनाव के लिए वॉलंटियर्स को दिया प्रशिक्षण। वॉलंटियर्स को वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं को सहायता करने के लिए किया प्रशिक्षित। अनूपगढ़ में जिला नोडल स्वीप प्रभारी के निर्देशानुसार 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर वृद्धजन एवं दिव्यांगजन की सहायता के लिए लगाए गए स्काउट गाइड NCC NSS विद्यार्थियों को मंगलवार को प्रशिक्षण दिया। घड़साना में संतरगी सप्ताह का आयोजन, मतदाता जागरूकता के लिए निकाला महिला मार्च। कहा, वोट करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत आमजन को चुनाव के बारे में जागृत करने एवं चुनाव गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष स्वीप कार्यक्रम। अनूपगढ़ में निकाला गया फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज अनूपगढ़ पुलिस प्रशासन, BSF व अन्य फोर्स द्वारा अनूपगढ़ के मुख्य मार्ग से फ्लैग मार्च निकाला गया। भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी के समर्थन में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। घड़साना से रामसिंहपुर तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें इलाके के मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर आदि वाहन शामिल हुए। रायसिंह नगर में किसान हो रहे परेशान। गेहूं का बीज लेने के लिए लगी लंबी कतार, किसानों को नहीं मिल रहा गेहूं का बीज। किसानों के अनुसार गेहूं की फसल लगातार लेट होती जा रही है और बीज के लिए उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा किसानों को गेहूं का बीज। भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी की रैली में भारी गाड़ियों का काफिला देखने को मिला, जिससे भारतमाला रोड पर लंबा जाम लग गया। रोडवेज बसों को और आमजन को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लंबे जाम में गाड़ियां रेंगती हुई चल रही थी। रायसिंह नगर में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रायसिंह नगर विधानसभा का चुनावी कार्यक्रम समय की कमी के कारण स्थगित किया गया। रायसिंह नगर विधानसभा में चुनावी संकल्प सभा से पहले राजनाथ सिंह बाड़मेर सहित 4 सभाओं को संबोधित करने वाले थे। अनूपगढ़ विधानसभा के ग्राम सात KND में कांग्रेस प्रत्याशी शिमला नायक को मिला रहा अपार जन समर्थन। ग्रामीणों ने
गुलाब के फूलों की बारिश करके किया शिमला नायक का स्वागत। शिमला नायक के समर्थन में ग्रामीणों की लगी भारी भीड़। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।